तो कल प्रयागराज में जफर अहमद की बारी थी, आज सफदर अली की बारी है। बाबा का बुलडोजर कह रहा है कि सबका नंबर आएगा। अब इनके आगे गुड्डू मुस्लिम और अतीक के दूसरे साथियों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। सफदर अली की बंदूक और कारतूस की दुकान है, जिस पर आरोप है कि वो आम सर एमुनिशन की सप्लाई अतीक के गुर्गो को करता है, इसीलिए उसके घर बुलडोजर पहुंचा। मैं एसटीएफ कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर शूटर्स की तलाश कर रही है, जो लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहे हैं। बुलडोजर आएगा, मिट्टी में मिलाएगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं, और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल ये बड़ी खबर लखनऊ से है, समझिए कि किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के चकिया में बुधवार को गरजे बाबा के बुलडोजर की खुराक अभी पूरी नहीं हुई है। माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के मकान को नेस्तनाबूद करने के बाद बाबा के बुलडोजर की भूख और बढ़ गई है। प्राधिकरण ने अतीक के करीबियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें करीब 40 नाम हैं, और धीरे धीरे इस बुलडोजर के निशाने पर वो सारे आशियाने होंगे जो अतीक के सहयोगियों के हैं। जफर अहमद के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और सफदर अली के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। गुड्डू मुस्लिम का मकान चकिया के कसारी मसारी में है, जबकि गुलाम का घर महदौरी में है और सफदर अली का घर राजरूपपुर में है। प्रयागराज में कल जफर अहमद पर बुलडोजर एक्शन के बाद आज सफदर अली के मकान को चिन्हित किया गया है। हम मकान के ठीक सामने, घर के सामने मौजूद हैं। आप देखें तो ये दो मंजिला इमारत है और काफी बड़ा और काफी आलीशान ढंग से बना हुआ मकान है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर पीडीए की टीम पहुंचेगी और डिमोलिशन की कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो चिन्हित किया गया था, और बताया जाता है कि सफदर अली की हथियारों की, आर्म्स और एम्यूनिशन की दुकान है, जो एक लाइसेंसी दुकान है। बावजूद इसके उनको चिन्हित किया गया है, उनके मकान को चिन्हित किया गया है। ये इमारत आपको दिखा दें, ये सफदर अली की इमारत है, जो जिसको डिमोलिशन कर, जिसके डिमोलिश की बात की रही है। सफदर अली हमारे साथ है, ये बताएं कि आपके मकान को क्यों डिमोलिश करने के नोटिस? मैं कुछ नहीं इसमें बता सकता सर, मुझे क्या पता, मुझे अभी पता चला है कि मकान गिराने आ रहे हैं। अतीक अहमद गैंग से, अतीक से कोई संबंध है आपका? हमारा किसी समय में नहीं रहा है, मैं यहाँ रह के भी उनके दरवाजे नहीं जाता हूँ, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। क्या काम है मुख्य तौर? बंदूक की दुकान है। वो कह रहे हैं कि जो अतीक अहमद गैंग के शूटर्स हैं, उनको हथियार सप्लाई लीजिए, अगर मेरी दुकान से एक सप्लाई एक, वो मेरा कागज स्टाक चेक कर लें, कहीं से भी अगर एक दाना, मैं सालों की शकल तक तो जानता नहीं। कभी कोई मुकदमा रहा है आपके खिलाफ? नहीं। तो कार्रवाई क्यों हो रही है? अब ये तो साहब बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम की अहम भूमिका थी। उमेश पर बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम ही था। गुड्डू मुस्लिम अतीक का बेहद करीबी है, जो बम बनाने में माहिर है और चलती मोटरसाइकिल में बम बनाकर फेंकने में उस्ताद है। 2009 में परवेश डाडा के एनकाउंटर के बाद यह अतीक का खास बन गया था। 2005 में राजू पाल पर गोलियां बरसाने वालों में गुड्डू मुस्लिम भी था। कि समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से हर डिस्ट्रिक्ट में माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और इसमें हम प्रयागराज की घटना में किसी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं एसटीएफ अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी है। कई जिलों में शूटर्स की तलाश की जा रही है, जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। उमेश हत्याकांड में गोली चलाने वाले शूटर्स नेपाल भागने की फिराक में हैं। प्रयागराज शूटआउट मामले में यूपी एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। कल देर रात लखनऊ के ठाकुरगंज और मड़ियाव इलाके में अतीक के करीबियों के यहाँ एसटीएफ ने छापेमारी की है। हालांकि परसों भी लखनऊ के कुछ इलाकों में एसटीएफ की छापेमारी हुई। देखा जाए तो ना सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश के कई बड़े शहरों में इस वक्त एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही अतीक अहमद से पूछताछ के लिए पुलिस अतीक अहमद को भी रिमांड पर यूपी ला सकती है, क्योंकि जो पूरा हत्याकांड का कनेक्शन है वो अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई से जुड़ता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का, हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी लाइव कनेक्शन है, जहां बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुशांत, क्या तस्वीरें? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई का जो इंतजार था अब खत्म हो गया है। अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरों में देखिए कि ये बुलडोजर को जो है स्टैंड कर दिया गया है, घर से सारे सामान को निकाल दिया गया है, पुलिस ने इसकी लिस्टिंग कर दी है। अब मीडिया को जो है थोड़ा पीछे किया जा रहा था, ताकि बुलडोजर की कार्रवाई जो है आसानी से संपन्न कराई जा सके। तो अपराधियों के खिलाफ जो योगी सरकार का मिशन बुलडोजर है, वो किस तरीके से प्रयागराज में गरज रहा है,
उसकी एक तस्वीर यह हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सफदर अली के इस मकान पर अब बुलडोजर गरज रहा है। बात की जाए इस पूरे प्रकरण की तो इसमें दो लोग और हैं, एक गुड्डू मुस्लिम और दूसरा है गुलाम, जो कि दुकान के अंदर से बाहर निकलकर गोलियां चलाते हुए दिखा था। उन दोनों के मकानों को भी चिन्हित कर लिया गया है और पीडीए की लिस्ट में तीन और नाम है जिनके ऊपर भी इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो अब जो है वो एक्शन मोड में है सरकार। अपराधी ने आतंक मचाया पर उसका खामियाजा किस तरीके से चुकाना पड़ रहा है अब वो इसके माध्यम से देख सकते हैं। और इसके द्वारा एक नजीर है, एक संदेश है कि जो भी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से आतंक फैलाने का काम करेगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उसके घर जमींदोज हो जाएंगे। बुलडोजर सबसे बड़ा इसका गवाह है और ये साफ 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 देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो सफदर अली के मकान में बुलडोजर गरजने शुरू हो गए हैं। तीन तीन बुलडोजर एक साथ लगे हुए हैं जो लगातार सफदर अली के इस जो आलिशान मकान को कुछ ही देर में जमींदोज कर देंगे। तो ये वो कहानी है जो कि लिखी गई है उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा कि सीधी और साफ स्पष्ट बात, अगर आतंक फैलाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बुलडोजर अपना काम करेगा। जिस तरीके से सदन में योगी सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से साफ साफ कहा गया कि किसी तरीके से कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और उसकी कार्रवाई जो है उस कथनी को करनी में कैसे तब्दील किया जा रहा है वो प्रयागराज के इस धरती से देखा जा रहा है, जहां पर एक तरफ 20 सड़क गोली और बम चलते रहे तो अब बारी थी कार्रवाई की। क्या तो वायर को भी काटा जा रहा है यहां पर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहले ही काट दिया गया है पर जो वायर से अगल बगल लटक रहे हैं ताकि दूसरे घरों की बिजली न चल जाए उसको यहाँ पर किस तरीके से स्थानाबूत किया जा रहा है वो साफ साफ देख सकते हैं। और अब ये तीनों बुलडोजर एक साथ गरजते हुए देखे जा सकते हैं, किस तरीके से एक साथ जो है बुलडोजर जो है वो गरजता हुआ देखा जा रहा है। और ये पहली तस्वीर है यहाँ पर जो सफदर अली का मकान जो है वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बुलडोजर कैसे गरजता है और कैसे आतंकियों के पसीने छूटते हैं, जो अपराधी हैं वो कैसे निस्तनाबूद होते हैं उसकी एक नजीर यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है, जहाँ पर सफदर अली के मकान पर ये गरजता हुआ बुलडोजर इसकी एक नजीर पेश कर रहा है। जिस तरीके से योगी सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अपराध के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस रहेगा, अपराधी किसी भी तरीके से नहीं बच पाएंगे, और 2017 के बाद से ही बुलडोजर तेजी से उभर कर सामने आया था कि इनके जो मकान है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे, संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में जो वांछित आरोपी है ये सफदर अली दरअसल वही व्यक्ति है जिसके ऊपर ये आरोप है कि इसने वो सारे आर्म्स सप्लाई किए जो कि वहां पर दिए गए थे हत्याकांड में शामिल जो लोग थे उनको। और इस आरोप के मद्देनजर जब चीजें सामने आई तो अब कार्रवाई की बारी थी और कार्रवाई के लिए बुलडोजर अब किस तरीके से गरजता हुआ दिखाई दे रहा है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि सफदर अली लगातार कहते आए कि यहाँ पर हमारा कोई दोष नहीं, हमने कुछ ऐसा किया नहीं, मगर जांच में ये बात सामने आई कि बिल्कुल वो शामिल था इस पूरे प्रकरण में और यही कारण है कि आज बुलडोजर गरजता हुआ सफदर अली के मकान पर देखा जा रहा है। और ये सिर्फ पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है, अभी लिस्ट में कई और नाम है और एक के बाद एक सभी का नंबर आना है और सभी के नंबर जब आ रहे हैं तो बुलडोजर बारी बारी से उनके मकानों को जमींदोज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीन बुलडोजर तेजी से गरजते हुए इस समय देखे जा रहे हैं। तो योगी सरकार का वो जो चेहरा है, जो जीरो टॉलरेंस है, वो अब जनता को भी दिख रहा है कि सिर्फ कागज पर कार्रवाई नहीं, सिर्फ कथनी नहीं बल्कि करनी भी योगी सरकार की है। और वो तस्वीर जो है वो यहाँ पर प्रयागराज से दिखाई दे रहा है जहाँ पर तीन बुलडोजर गरजते हुए दे जा रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है जो दर्शाती है कि अपराध के खिलाफ न सिर्फ जीरो टॉलरेंस है बल्कि अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसी के अंदाज में, जिस तरीके से अपराधी अपराध करने से पहले
कभी भी ये नहीं सोचते कि उनका अंजाम क्या होगा। वो जिस तरीके से गोलियां बरसा रहे हैं, जिस तरीके से बम बरसा रहे हैं, उसका अंजाम क्या होगा, उन्हें लगता है पुलिस पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, फिर वो जमानत पर आसानी से छूट जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। योगी सरकार का जवाब देने का तरीका ही दूसरा है। सीधे सीधे बुलडोजर पहुंचता है और घर को जमींदोज कर दिया जाता है, जैसा कि तस्वीरों में आप साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बुलडोजर इस दो मंजिला मकान को नेस्तनाबूद कर रहा है। और साथ ही नेस्तनाबूद हो रहे हैं उन अपराधियों के इरादे, जिनके मन में कभी ये चलता था कि आज तो हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं पर हमारी जो चीजें हैं वो छुप जाएंगी, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। किस तरीके से लगातार जो सरकार का बुलडोजर है वो गरज रहा है। प्रयागराज में इसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से तीन बुलडोजर के माध्यम से जो सफदर अली का मकान है उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस लगातार लगी हुई है बैरिकेडिंग करने में, क्योंकि जो लोग है, जो भीड़ है, वो भी काफी इकट्ठा हो चुकी है इस कार्रवाई को देखने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अपराधी इस बात को समझ ले कि अगर वो अपराध करते हैं तो उसका जो अंजाम है वो कितना भयानक हो सकता है, न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उनके घर मकान जो अवैध तरीके से बने हुए हैं उसे भी इसका हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। तो लिस्ट तैयार है, कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मोड पे है और योगी सरकार की ये कार्रवाई मिशन बुलडोजर किस तरीके से तेजी से ग्रस्ता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी एक नजीर देखिए। मात्र एक हफ्ते हो रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर इनकाउंटर, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई, लगातार अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई, ये दर्शाता है कि जहां एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही है वही बिल्कुल सुशांत बने रही है अपडेट्स और आपसे लेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज में सफदर अली का जो मकान है उस पर बुलडोजर तिकड़ी की कार्रवाई और एक बड़ा एक्शन। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के रुकते हैं।